আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে রাজ্য বিজেপির পক্ষ থেকে মঙ্গলবার এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। রাজ্য বিজেপির সদর কার্যালয়ে হয় আলোচনা চক্র। উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি জাতি জনজাতি ঐক্যের উপরে জোর দেন। জাতি জনজাতি একসাথে থাকার, একসাথে এগিয়ে চলার আহ্বান রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সাথে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিজেপি মানে উন্নয়ন। এই আলোচনা চক্রে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। तब तक ये आज तक कोई भी पार्टी कोई भी पैसे इस तरह नहीं सोचे। हमें भी पूरी कोशिश करते हैं, भी करते हैं, पार्टी से कहते हैं कितना जनजाति का उसमें पार्टी है, क्या है, इस तरह हमेशा सोचते हैं। और मैं तो आज इतना भावुक हो गया जिस तरह आप लोग इस तरह बंदोबस्त किए हैं कि हम लोग जाति जनजाति हम एक साथ रहना है और एक साथ आगे बढ़ना है। और त्रिपुरा फेस्टिवल त्रिपुरा जो हम लोग स्लोगन दिए हैं, श्रेष्ठ भारत का जो स्लोगन दिए हैं, ये अभी शुरुआत हम ये आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये त्रिपुरा से शुरू करें ऐसा इनोवेटिव आइडिया हम लोग करें, लेकिन हम लोग एक साथ शक्ति से हम लोग यहाँ रहना चाहते हैं। बहुत हो गया, 80 का दंगा सब तो मालूम है, 3000 कम से कम लोग का यहाँ पर मृत्यु हुआ है। कोई दलील से बोलो किसी जगह इसका कोई जिक्र नहीं है। और हम लोग चाहते हैं शांति से रहे और कोई इधर उधर कुछ नहीं सोचना है और आगे बढ़ना है। और भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही है डेवलपमेंट। यशस्वी प्रधानमंत्री हमेशा चाहते हैं डेवलपमेंट, सबका साथ ही से लेगा, सबके लिए सोचते हैं, कोई अलग अलग नहीं है। मैं तो